नमस्कार, मैं सिवान सुनकर आप सभी का स्वागत करता हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। संविधान सभा ने आज के दिन अंगीकार किया था संविधान। संविधान सभा ने देश के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा करके 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस महान योगदान के लिए भारत सरकार ने पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया था और तब से प्रत्येक वर्ष देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। आज के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। इसकी स्मृति में करीब 30 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से प्रति वर्ष यह दिवस राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य संविधान सभा के उन 207 सदस्यों के अतुलनीय योगदान को सम्मान देना है जिन्होंने संविधान बनाने में सहयोग किया। मुंबई में आज के दिन हुआ था बड़ा आतंकी हमला। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले ने देश के साथ ही दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे 10 आतंकियों ने मुंबई की सड़कों, ताज होटल, CST रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल आदि स्थानों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब को पकड़ लिया गया था, जिसे बाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज के दिन किया गया था आम आदमी पार्टी का गठन। आम आदमी पार्टी का गठन अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के लोकपाल आंदोलन से जुड़े सहयोगियों ने 26 नवंबर 2012 को दिल्ली में किया था। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और 28 सीटें हासिल कर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 26 नवंबर दिन शुक्रवार। आपके भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं। आपके शत्रुओं के आतंक से छुटकारा मिलेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, मन शांत रहेगा। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद नीला तथा निषेध रंग लाल सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%। मन वांछित स्थान पर ट्रांसफर के योग हैं। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें। आपके पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें, आपकी पदोन्नति होगी। कार्यक्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी वापस मिलेगा। छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके खर्च बढ़े हुए रहेंगे। अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार का सफेद तथा निषेध रंग काला सलेटी। सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48%। उपलब्धि एवं अवसरों की प्राप्ति के योग हैं। कार्य में अनावश्यक अवरोध हो सकते हैं, परंतु यह सभी अस्थाई हैं। विदेश के लिए इन दोनों उत्तम योग है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%। कार्य क्षमता के अनुरूप ही सफलता प्राप्त होगी। माता पिता की ओर से चिंता हो सकती है। करियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला लाल। तुला,
आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। समय शुभ है, लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ व्यवसाय के अवसर बनेंगे। परिवार में आंतरिक कलह खत्म हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें भाग्य आपके साथ है। समय अनुकूल चल रहा है, निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। व्यवसायियों को अच्छे एवं बड़े ग्राहक मिल सकते हैं। पूर्व में जो उधार दिया गया था उसकी प्राप्ति संभव है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़े, बजट पर ज्यादा ध्यान रखने वाला है। जीवन साथी के साथ तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड काला। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। परिजनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाएं। आप कुशलता व होशियारी से असंभव कार्यों को पूरा कर सकेंगे। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। कार्य की अधिकता रहेगी परंतु गर्व का अनुभव रहेगा। समय अनुकूल है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संबंधों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। कारोबार में अनुकूलता बनी हुई है। आकस्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आपके कुछ काम दोस्त और भाइयों की मदद से पूर्ण हो जाएंगे। आप स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़े पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय, प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 01212668888 या 09837600006 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।